रांची में नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। गांजा अफीम के साथ साथ नशे में इस्तेमाल करने वाली दवाओं के विक्रेताओं पर भी पुलिस की नजर है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी में नशे के सौदागरों के खिलाफ हो रही है सख्त कार्रवाई। रातू थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां हुई बरामद। बरामद दवाइयों में जिरेक्स कप सिरप 540 बोतल, वनरिक्स कप सिरप 593 बोतल, विंस पास्मोफोर्ट 3312 कैप्सूल, नाइट्रोसोन टिन 9000 टैबलेट, स्पैस्मो प्रॉक्सी वॉन प्लस 9648 कैप्सूल, एक कंप्यूटर सेट प्रिंटर समेत, एक स्कूटी, दो मोबाइल। राजधानी रांची में नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में नशे के दवाइयों के अवैध कारोबार करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में राज्य पुलिस को सूचना मिली थी कि रातू थाना क्षेत्र में अवैध रूप से नशे की दवाइयों का कारोबार किया जाता है, जिसके बाद ग्रामीण एसपी के निर्देश पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की, जो रांची समेत गुमला, लोहरदगा और अन्य जिलों में सप्लाई की जा रही थी। पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कल रेड किया गया। रेड करने के बाद ये जो देख रहे हैं, इतनी दवाएं, पांच तरह की दवाएं हम लोगों को मिली है, जिसमें टैबलेट भी है और कफ सिरप के फॉर्म में है। जीरेक्स कफ सिरप भी है, वेंड्रेक्स है, एस्पास्मो प्रोक्सीबोन है, और भी बहुत सारी ये दवाएं देख रहे हैं। ये हम लोगों ने जब्त किया है। दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सानू कुमार की और रोशन कुमार, जो दोनों यही रातू के ही रहने वाले हैं। इसके मेन मास्टरमाइंड अभी भी हम लोगों के पकड़ से बाहर है। हम उम्मीद करते हैं कि जिनकी ये दुकान थी या जहाँ ये स्टॉक किए हो, तो उनको जरूर हम लोग पकड़ सकेंगे। रातू में एसएसपी के निर्देश पर ग्रामीण एसपी की स्पेशल टीम की ओर से आनंदमयी नगर में रहने वाले रोशन कुमार के घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि रोशन कुमार अपने घर से नशीली दवाओं का कारोबार करता है, जिसके बाद रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने रातू सीओ, थानेदार और ड्रग कंट्रोल की मौजूदगी में शुक्रवार को घर में छापेमारी कर नशीली टैबलेट, विंस पास्मोफोर्ट, कफ सिरप, वन रिलैक्स और कैप्सूल जब्त किया। ने इस बार ये कोशिश किया है कि एविडेंस मैक्सिमम इसमें कलेक्ट करें, आज जो लोग लिप्त हैं उनको विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई हो और माननीय न्यायालय में हम लोग साक्ष्य उपस्थापित करें, ताकि उनको इसमें सजा हो और इसका मैसेज पूरे समाज में जाए, ताकि इस टाइप का जो धंधा करने वाले जो लोग हैं, जो आम नवयुवक को पीने से जो अपराध जो बढ़ी है, हमको लगता है कि उस पर जरूर कमियां जरूर आएगी। राजधानी में गांजा अफीम के साथ साथ अब वैसे तस्करों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जो नशीली दवाइयों के कारोबार में संलिप्त है। ऐसे व्यवसायी कर्मियों को लगातार चिन्हित करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।